हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लोरिकल्चर विद अभिनव। फ्रेंड्स, मैं हूं अभिनव और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्लोरिकल्चर विद अभिनव में। फ्रेंड्स, मैंने सोचा कुछ नई शुरुआत की जाए अपने चैनल पे। हम लोग पढ़ाई की बात तो अक्सर करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी जरूरी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ नई और हटके वीडियो डाली जाए इस चैनल पे, ताकि आप लोग पढ़ाई से बोर ना हो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते लोग बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा अगर आपके अंदर पैसन और हॉबी है अगर गार्डनिंग की, तो हम क्यों ना गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ नई वीडियोस डालें। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे थे जो चाह रहे थे कि मैं अपनी गार्डनिंग से रिलेटेड भी वीडियो अपने चैनल पे डालूं, तो जिसके लिए मैंने कुछ ये नया ट्राई करने की कोशिश की है। तो अपना इसको प्यार जरूर दीजिएगा। तो आज हम पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हैंगिंग बास्केट के बारे में बात करेंगे। तो हैंगिंग बास्केट में फ्रेंड्स होता क्या है, आप इन प्लांट्स को एक पॉट के अंदर रख के उनको दीवार से हैंग किया जाता है, तो उसको हम हैंगिंग और बास्केट होती है, तो इसलिए बास्केट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हैंगिंग बास्केट में जो दो पॉइंट होता है वो उसमें ये होता है कि एक तो उसको लाइट वेट रखना होता है और एक उसके अंदर मॉइस्चर कंजर्वर हो, ऐसा पॉटिंग मिक्सचर हमको चॉइस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो पॉटिंग मिक्सचर होता है और लाइट वेट दोनों का सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, वो है आपका कोकोपीट। जी बिल्कुल, कोकोपीट इसलिए है क्योंकि कोकोपीट जो है वो मॉइस्चर कंजर्व भी करता है और उसके साथ साथ वो लाइट वेटेड होता है, जो पॉट को हल्का बनाता है। अगर हम डायरेक्ट सॉइल या कोई अदर पॉटिंग मिक्सचर का यूज करेंगे तो हमारा जो होता है हैंगिंग बास्केट वो भारी हो जाएगा, और जब आप उसको हैंग करेंगे किसी स्ट्रक्चर से तो वो क्या होगा, दरअसल अगर वेट हैवी लोड होने की वजह से वो कुछ समय बाद अगर कमजोर होगा तो वो टूट सकता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन सा पॉटिंग मिक्सचर हमें तैयार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कौन से प्लांटों का चॉइस करना चाहिए। तो प्लांट की चॉइस की बात आए तो प्लांट की चॉइस के लिए हमको दो तरह के प्लांट्स हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं। एक होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, एक होता है हमारा क्लिम्बिंग प्लांट। क्लिम्बिंग प्लांट्स मतलब कि लता वाले पौधे होते हैं जिनको हैंगिंग बास्केट में लगा देते हैं और ऊपर से नीचे तक लटकते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स ये होते हैं कि जिनमें से मतलब छोटे होते हैं, छोटे साइज में होते हैं, कुछ ही दूरी तक लटकते हैं, लेकिन वो खिल के पूरे बास्केट को घेर लेते हैं, जिससे एक बहुत ही अच्छा लुक आता है। फ्रेंड्स, आप फ्लावरिंग प्लांट्स में वर्बेनिया, नस्टेडियम, ठीक है, फोर ओ क्लॉक जिसको आप पॉटुलाका बोलते हैं उसको लगा सकते हैं, पिटूनिया लगा सकते हैं, जरेनियम लगा सकते हैं आप। जरेनियम बहुत अच्छा ही लगता है उसके अंदर, जरेनियम हो गया, उसके बाद पैंजी हो गया जिसको कैट फ्लावर बोलते हैं, पैंजी, स्वीट लाइसम, फ्यूसिया जो बहुत देखने में अच्छा लगता है, रेड कलर का इसका फ्लावर होता है, बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है, इसको लगा सकते हैं आप। फिर उसके बाद आता है हमारा लोबेलिया। इन प्लांट्स को आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर हम फोलियज प्लांट्स की बात करें तो फोलियज प्लांट्स में आप सबसे पहले मनी प्लांट को आप बहुत ईजिली लगा सकते हैं, मनी प्लांट हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद आपका ये सिंगोनियम हो गया, सिंगोनियम ईवी हो गया, ईवी प्लांट भी बहुत अच्छा लगता है, वो ऊपर से एकदम नीचे तक पूरा लगा रहता है, क्लिम्बर प्लांट्स के अंदर आता है, ठीक है, तो इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप रेलवे लाइन के ऊपर कोरल वाइन, ठीक है, इसके कुंकीली सिंडिका, इन सब जैसे क्लिपर्स को आप इजिली ग्लो कर सकते हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम अपने हैंगिंग बास्केट को बनाते हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, देखिए, हैंगिंग बास्केट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक हैंगिंग बास्केट की जरूरत होगी, जो आप किसी भी मार्केट से या लोकल ऑनलाइन कहीं भी ले सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप लेंगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी, और जो ऑफलाइन अगर आपको मिल जाता है तो ये 50 से 60 रुपए के अंतर आता है। ये देखिए जो मेरा है ये 50 रुपए का है, इसको मैंने 50 रुपए में खरीदा, और ये आपको जब भी आपको जब सिलेक्शन करना है तो ये हार्ड होना चाहिए। और जो इसकी मेन चीज देखनी है आपको, ये इसकी वायर के अंदर एक तार डाला जाता है जिससे मजबूती बनी रहे। ये प्लास्टिक का होता है, आप ये मत सोचिएगा, कुछ लोग होते हैं खाली प्लास्टिक का ही होता है, तो इसके अंदर आप मोड़ के हल्का देख सकते हैं या धूप में साइड में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके अंदर एक तार रहती है जो इसको मेन वेट उठाती है। तो इस तरह का आप गार्डन ले लें। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं, बट ट्राई करें ये आपको अगर लोकल मार्केट में मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, आपको सस्ता पड़ेगा, नहीं तो ऑनलाइन ये कम से कम 200 300 400 इस तरह से आते हैं। तो आप 50 रुपए का है ये, मैंने आपको बता दिया, आप कहीं से भी मार्केट से भी ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे पॉटिंग मिक्सचर की। तो पॉटिंग मिक्सचर के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है गार्डन सॉइल, एक पार्ट आपको कोकोपीट भी कई वेरियंट्स में आती है, आपको एक फंगीसाइड मिक्स आती है, आपको नॉर्मल आती है, फिर उसके साथ एक वर्मिकुलाइट के साथ आती है। तो ये जो मैंने कोकोपीट लिया ये फंगीसाइड के साथ, ताकि उसके प्लांट की रूट में कोई भी फंगस ना लग सके, इसलिए मैंने इसको लिया है। फिर ये रिवर्स एंड लिया है, इनको एक बराबर मात्रा में ले लिया है। अगर आप और हल्का बनाना चाहते हैं तो कोकोपीट को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो अब मैं इन सबको मिला लूंगा और मिला के इसका पॉटिंग मिक्सचर बनाऊंगा।
ये देखिए हमारा पॉटिंग मिक्सर तैयार हो गया है, अब इसको हम फिल करेंगे इसके अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने हैंगिंग बास्केट ले लिया है, इसमें हमने ऑलरेडी छेद कर लिया था, होल बना लिया है, तो ड्रेनेज बना रहेगा इसके अंदर। अब हम थोड़ा एक गिट्टी लेंगे, इसके मुंह पे रख देंगे, कुछ दिया मेरे पास पड़ा था टूटा हुआ तो मैंने इसको रख दिया है। अब हम इसमें खाद के लिए कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए होगा प्लांट के लिए, तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक कुछ यूज करेंगे, जैसे लीफ होती है, लीफ मैन्योर का आपने नाम सुना होगा। तो ये मैंने लीफ इसके अंदर कुछ हर पौधों की सूखी हुई पत्तियों को लिया है, अब मैं इसको डाल दूंगा इसके अंदर। अब ये क्या होगा, जब ये प्लांट हमारा इसमें हम ग्रो करेंगे तो ये पत्तियां इसी के अंदर सड़ेंगी और सड़ के इसका खाद बनेंगे और पौधे को हमारा न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा। तो ये हमने पत्तियां डाल दी, अब हम इसके अंदर अपना पॉटिंग मिक्सचर डालेंगे। ठीक है, ये हमारा लग गया है, हाफ फिल कर लिया है। अब इसमें हम फ्रेंड्स सिंगोनियम का प्लांट मैं लेके आया हूँ, जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये मैंने सूट सिंगोनियम के पौधे लेके आया हूँ, अब मैं इनको ग्रो करूंगा इसके अंदर। देखिए दो प्लांट थे, ये एक प्लांट है जिसको मैं ग्रो करूंगा, ये मैंने इसको रख लिया है यहाँ, ये पहले से ही मैंने ग्रो करके रखा है, ये मेरी मम्मी ने अपने गार्डन में पहले से बना के इनको तैयार करके रखा था, जिनको मैं ग्रो कर रहा हूँ। देखिए बहुत ही आराम से हमारा लग गया है इसके अंदर प्लांट, कि हमारा प्लांट इसके अंदर लग के तैयार हो गया है। अब हम दरअसल ये हमारा सिंगल प्लांट तो अच्छा लगेगा नहीं इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, कुछ मैंने पाउटला का 4 o'clock जो प्लांट्स होते हैं उनको लेके आया हूँ। ये देखिए मेरा ये कुछ व्हाइट है और ये कुछ येल्लो है, तो ये मेरा पॉट जो है हैंगिंग बास्केट ये रेड कलर का है, तो इसके अंदर मैं येलो कलर का लगाऊंगा जो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो इसको मैं इसी तरह से कलर कर दूंगा। पॉटला का बहुत ही हार्डी नेचर का होता है, आपको इस कटिंग से मतलब कहीं आपके पास एक भी प्लांट है तो उसकी कटिंग से आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये मैं वही कटिंग लेके आया हूँ प्लांट से और मैं इनको लगा दूंगा। बहुत ही आराम से लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें आपको, और ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये किस तरह से लगता है जब ये फ्लावरिंग में आएगा पॉटला का। तो ये देखिएगा, ये हमने और कुछ बीच में लगा देता हूँ मैं, इस तरह से मैं इसे लगा दी हूँ, ये देख सकते हैं आप येल्लो कलर का है। ठीक है, तो अब ये हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसमें अपनी वायर फिट करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए मैं हैंगिंग बास्केट के वायर को अब फिट करूंगा, तो वायर में देखिए लॉक्स होते हैं, इन लॉक्स का इसके अंदर फंसना बहुत जरूरी होता है, अगर ये नहीं फंसेंगे तो आपके ये हवा में हैंगिंग बास्केट गिर सकती है। तो ये मैं लूंगा पहला वायर और इसको इसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से फिट कर दूंगा, ये देखिए मेरी एकदम लॉक हो गई बढ़िया से। अब मैं इसका दूसरा लॉक लगाऊंगा इसी तरह, ये देखिए बहुत ही ईजी आसानी से लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये मेरा बास्केट बनके तैयार हो गया है। अब मैं कुछ लीव्स को अलग अलग डायरेक्शन लगा कर दूंगा ताकि देखने में हमारा प्लांट अच्छा लगे। अब ये देखिए हमारा प्लांट बिल्कुल तैयार है हैंग के लिए, तो इस तरह से है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा ये जब ये खिलेगा पॉटला का हमारा, इसके अंदर घना हो जाएगा, तो इस तरह से है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसे हैंग करते हैं और किस तरह से रखते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने और भी प्लांट को ले लिया है, इसी तरह से बना लिया है, सारे हैंगिंग बास्केट मेरे बनके तैयार हो गए हैं। देखिए इसमें मैंने पिंक कलर का लगाया, ये येलो कलर का है, तो देखिए ये भी कितना अच्छा लग रहा है। इसके अंदर मैंने सिंगोनियम जो है वो पिंक सिंगोनियम लगाया है, जो कि मैंने उस प्लांट से, ये मदर प्लांट है मेरा सिंगोनियम का, इससे मैंने इसको तैयार किया है। ठीक है, इसी तरह से येल्लो में मैंने पिंक कलर का सिंगोनियम लगाया है जो अभी चल रहा है मेरा। ठीक है, इसी तरह से देखिए सारे मेरे 6 baskets हैं, 6 बन के तैयार हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं इनको लगा के दिखाऊंगा हैंग करके कि देखिए कैसे लगते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सब अपना हैंगिंग बास्केट लगा दिया है,
जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं इसको, मैंने कितने अच्छे से इनको लगाया है। आप भी ऐसे ही लगाइए और इनमें गार्डनिंग कीजिए। देखिए बहुत सुंदर लुक आया है इनको, घर के अगर आप लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये मैं 6-7 लेके आया था जिनको मैंने लगा दिया है। ये देखिए रेड कलर का कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसमें रेड कलर में येल्लो कलर की मैंने पाटला का 4 o'clock को लगाया है और इसमें पिंक कलर का लगाया है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैंने इसमें पिंक सिंगोनियम लगाया है अंदर और ये पिंक कलर का पाटला का लगाया है जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, ठीक है। ये देखिए रेड कलर का भी है इसी में का। इसी तरह से मैंने सारे हैंगिंग बास्केट को तैयार किया है, तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं दिखाऊंगा इसमें पानी का सिस्टम। बहुत से लोग पूछेंगे कि इसमें पानी कैसे ड्रेनेज होगा, तो मैं इसको पानी दे के आपको बताता हूँ कैसे लगेगा। देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से इसमें से पानी निकलना चालू हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए तुरंत डालते हैं, ये कोकोपीट का कमाल है पूरा इसमें से भी। और देखिए इसमें मैंने पानी डाला, इसमें से भी इसका गिरने लगा है पानी। तो इस तरह से इसमें पानी भी नहीं रुकता है, ड्रेनेज भी प्रॉपर बना रहता है। फ्रेंड्स इसी तरीके से आप अपने घर में हैंगिंग बास्केट लगा सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय जवान, जय किसान, जय उद्यान।